नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में कोविड का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार ने कोरोना के केस घटने के बाद कई चीजों में छूट दी है। ऐसे में पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच कोरोना से बेखौफ लोग खुलेआम कोरोना की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। मसूरी में वीकेंड में पर्यटक स्थलों में सैलानियों की भारी भीड़ लगी हुई है। जहां एक और कोरोना के केसों में कमी दर्ज की जा रही है, वहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग कम ही करते देखने को मिल रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर बाहरी राज्यों से लगातार लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। इस दौरान व्यवस्था बनाने को लेकर पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी को लेकर आज उत्तराखंड के DIG नीलेश भरने ने बताया कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए RT-PCR और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया है। साथ ही पर्यटक स्थलों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि मसूरी के एम्प्टी फॉल में पर्यटकों का हुजूम उमड़ा हुआ है, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ने की उम्मीद थी। ऐसे में टिहरी के जिलाधिकारी को भी इस बारे में सूचित करते हुए कहा गया कि वो भी एम्प्टी फॉल में एक समय पर 50 पर्यटकों के जाने की ही अनुमति दे। वहीं भीड़ पर नियंत्रण बनाने को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है और आग्रह किया है कि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के लिए कोरोना वायरस का पालन करवाने में सहयोग करें। पुलिस महानिदेशक द्वारा जो है संज्ञान लिया गया है कि MT की जो वीडियो आई थी आज उसमें VC की गई पुलिस महानिदेशक द्वारा, और सभी के साथ जो है नैनीताल, टिहरी, हरिद्वार, जहां जो मुख्य पर्यटक स्थल है उनके जो SSP है उनको निर्देशित किया गया है कि जो वीकेंड आ रहा है तो आज से ही जो है वो तैयारी में रहे, अपने बॉर्डर्स जो चेक पोस्ट है वहां पर जो है अपनी डिप्लॉयमेंट रखे, और जो कोविड की गाइडलाइंस और जो निर्देश आए हुए हैं कि जो आने वाले हर आदमी का जो है RT-PCR चेक किया जाए और उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हुआ कि नहीं वो चेक किया जाए। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।